आज हम विश्व की सीमा रेखाएं एवं भारत की सीमा रेखाएं कहां स्थित हैं और किस नाम से जानते हैं, इनके बारे में आज हम बताएंगे। अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको प्राप्त होती रहें। और लक्ष्य है 1000+ सब्सक्राइबर इस वीडियो पर। तो ये भारत का मैप दर्शा रहे हैं और इसमें इसी प्रकार मैप के माध्यम से सीमा रेखाओं के बारे में बताएंगे, वो आगे दिखाएंगे। ये भारत का मैप है, जो स्टार दिखाई दे रहे हैं ये रेड क्लिफ रेखा है, जो भारत एवं पाकिस्तान और भारत एवं बांग्लादेश के मध्य जो सीमा रेखा है वो रेड क्लिफ नाम से जानते हैं। ये दोनों देशों की रेखाएं रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा को दर्शा रहे हैं, जो हम स्टार के माध्यम से जो स्टार घूम रहे हैं मैकमोहन रेखा है, जो अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन के पास जो सीमा रेखा है। अब बताएंगे पूरे विश्व में कौन कौन देशों की कौन कौन सी सीमा रेखा है, कौन कौन से दो देशों के मध्य सीमा रेखाएं कौन कौन सी सीमा रेखाएं जुड़ती हैं। नंबर एक, रेड क्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान। ये रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य है, जो अभी हमने पहले मैप के माध्यम से दिखाया है और बताया भी है। और ये रेड क्लिफ रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा है वो भी रेड क्लिफ रेखा ही कहलाती है, क्योंकि पहले पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान था, इसलिए वो रेखा एक ही नाम से रेड क्लिफ नाम से जानते हैं। दो नंबर, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य स्थित है। तीसरी है ड्यूरेंड रेखा। ड्यूरेंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है, को प्रदर्शित करती है, दर्शाती है। ये जो हम जो सीमा रेखाएं बता रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये क्लास 10th हो, 9th हो, 7th हो और कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनमें से प्रश्न बनते रहते हैं। पूछ ली जाती है रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के मध्य है, ड्यूरेंड रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है, मैकमोहन रेखा किन देशों के मध्य स्थित है, इस प्रकार के प्रश्न बनते रहते हैं। अब बताते हैं हिंडनबर्ग रेखा। ये हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के मध्य सीमा रेखा है। जर्मनी और पोलैंड के मध्य ये सीमा रेखा हिंडनबर्ग रेखा के नाम से जानते हैं। अब अगला है मैगिनॉट रेखा। मैगिनॉट रेखा जर्मनी एवं फ्रांस के मध्य स्थित है। जर्मनी एवं फ्रांस के बीच जो सीमा रेखा है उस रेखा को मैगिनॉट रेखा के नाम से जानते हैं। अब 6 नंबर, मेनरहिम रेखा रूस और फिनलैंड के मध्य है। रूस और फिनलैंड के मध्य जो सीमा रेखा है वो मेनरहिम रेखा के नाम से जानते हैं। जो रूस और फिनलैंड के मध्य रेखा है मेनरहिम के रेखा के नाम से जानते हैं। आप इन देशों की राजधानियां भी याद कर सकते हो, जान सकते हो, और इनकी मुद्रा क्या है वो भी आप जान सकते हो, क्योंकि जीके में जो प्रश्न बनते हैं वो इनसे संबंधित के अलावा अन्य चीज़ भी पूछी जाती हैं, जो जैसे राजधानी, रुपया आदि भी प्रश्न बनते रहते हैं। 38वीं समांतर रेखा, ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य स्थित है।
उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के जो सीमा रेखा है उसे 38वीं समांतर रेखा कहलाती है कहते हैं, और 49 या 49 समांतर रेखा यूएसए और कनाडा, जो यूएसए और कनाडा के मध्य जो सीमा रेखा है वो 49 समांतर रेखा के नाम से जानते हैं। अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त होती रहें, और इसे शेयर करें और चैनल पे उसे लाइक कर दें। धन्यवाद।